वार्ड में जा जा के बूथ कमेटी से लेके ऊपर तक संगठन बनाना पड़ेगा। कुछ साल तक हमारा ध्यान यहाँ पे नहीं था। एक जमाना था कि हमारा झंडा हमने यहाँ पे फहराया था, किसी कारणवश हालात बदल गए और आज हमारी स्थिति हम इतने बलवान नहीं रहे, पर लोगों के दिल में आज भी राष्ट्रवादी के प्रति प्यार मोहब्बत है। उस मोहब्बत का इस्तेमाल करके हम फिर से एक बार संगठन खड़ा करेंगे और इसकी शुरुआत आज से है। सर, आप यहाँ ना रहते हुए भी यहाँ की पूरी खबर रखते हो, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक ही होटल पे कार्रवाई हुई, बाकी के होटल पे कार्रवाई नहीं हुई, भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब मुद्दों पे किस तरह से एनसीपी यहाँ पे काम करेगी? नहीं, मैं तो चैलेंज देके जा रहा हूँ कि मेरे पास 124 अनधिकृत होटल की यादी है, मैं राठौड़ साहब को भेजने वाला हूँ, देखते हैं राठौड़ साहब में कितनी हिम्मत है और कितने तोड़ते हैं। सर, मनपा आयुक्त और अधिकारी यहाँ सुनते नहीं, जनता को जाने दीजिए, आपके नेताओं को भी नहीं सुनते, इससे क्या कहेंगे? यही है ना कि एक पक्ष का सरकार इस महापालिका में चलता है और अधिकारी उस पक्ष के कार्यकर्ता बन के घूमते, जैसे आज हमारे झंडे वो चव्हाण नाम का अधिकारी उतार रहा था, तो क्या इसके पहले झंडे नहीं लगे थे क्या? हर पार्टी के झंडे लगते हैं तो उतार दे क्या? मेरा कहना इतना ही है कि अधिकारी ने अपना अधिकार जो है वो आम लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम नहीं करना। सर, तेंदुलकर साहब ने अभी कई मुद्दे आपको गिनाए जो मीरा भाईंदर में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो पानी की प्रॉब्लम है सर, 25 MLD पानी काट दिया जाता है, उसके बाद लोगों को पीने की प्रॉब्लम है पानी की, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये महानगर पालिका की समस्या है, महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए पानी की तरफ, अगर पानी नहीं है तो महापालिका की जिम्मेदारी है लोगों को पानी देने की। एनसीपी का क्या रोल रहेगा सर? एनसीपी इसमें मीरा भाईंदर के लिए क्या करेगी? मैंने जैसे तेंदुलकर को बताया कि हमको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, हमको रस्ते पे उतर के लोगों की समस्याओं को लेके उसको उजागर करना पड़ेगा कि क्या हालात है देश, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सत्ता में है। सर, ये रोड के मुद्दे पे जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो पैसा बड़ा बड़ा के दिया जा रहा है, तो इसके लिए तो पूरा एविडेंस है, तो जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी स्टेट लेवल पे इंक्वायरी की तो मांग की जाएगी। मैं स्वयं इसके लिए मुख्यमंत्री को लेटर लिखूंगा और इसकी इंक्वायरी सर एक सवाल है कि महानगर पालिका के आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस यहाँ मीरा भाईंदर से मिलकर चुनाव लड़ेंगी या अलग? आने वाला वक्त बताएगा। सर, दूसरा प्रश्न आता है, सर जिस तरह से भिवंडी के राष्ट्र में फ्रांस के राष्ट्रपति का जो वहाँ पे विरोध हुआ है, उस पर भाजपा आप लोगों का आक्रमक हो गई, क्या बोलेंगे इसको? भिवंडी के रास्तों में फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करके पोस्टर लगाया गया है पूरे रास्तों में, उसके लिए भाजपा आपके सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करेगी, क्या बोलेंगे आप? मैक्रोन के खिलाफ में सर भिवंडी में विरोध किया गया है, पूरे दुनिया में चल रहे, मगर भाजपा जो महाराष्ट्र को लेकर गई, महाराष्ट्र अपना केंद्र सरकार ने इसका समर्थन किया मेट्रो का। सर, यहाँ पे मेट्रो का जो काम रुकाया गया था, तो आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इसको काम को शुरू करवाया, लेकिन जो फ्लो चाहिए था काम का मेट्रो का, वो फ्लो नहीं आ पाया, मेट्रो का फ्लो नहीं है। मेट्रो